माहिती इथं जस्ट हेल्प मी ना, गॉट इट करायचं का, गॉट इट गुड नाही आफ्टरनून ऑल बस. ऑफ यू. अ मोस्ट एंड वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू. आज हम डिस्कस करेंगे डिसीज एंड इट्स कॉज पे. तो आज हमारे साथ डॉक्टर सुषमा लाड जी हैं. शी इज फ्रॉम पुणे, पुणे से हैं. शी हैज डन MBBS इन MD पैथोलॉजी एंड शी इज फैमिली फिजिशियन एंड स्पिरिचुअल काउंसलर. शी इज प्रैक्टिसिंग फ्रॉम लास्ट 16 ईयर्स. तो आज वो हमसे बात करेंगे. आज सबसे पहले तो हम तहे दिल से उनका वेलकम करेंगे कि आज उन्होंने अपना समय निकाल के हमें समय दिया है. और आज वो डिस्कस करेंगे हम कि डिसीज एंड इट्स कॉज के ऊपर. तो डॉक्टर सुषमा जी, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आजकल हम देखते हैं हर किसी को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहता है. पहले इतना नहीं होता था. पहले किसी किसी को देखा जाता था कि उनको ये प्रॉब्लम है, उनको ये प्रॉब्लम है. बट आजकल जो कैंसर, हाइपरटेंशन, इंसोमिया, हर अलग अलग तरीके की कितनी सारी बीमारी हो गई. हर 3 में से एक को देखने को मिलता है कि कुछ इसको कुछ है, इसको कुछ है. तो ये क्यों हो रहा है, इसके क्या कॉजेस है, थोड़ा आप डिटेल में हमें एक्सप्लेन करके थोड़ा बताएंगे? या श्योर श्योर. So let me share my slides first, then I'll start my today's topic. Okay. Yeah. So, are you able to hear me? Yeah. So, my today's topic is diseases and its causes. So, mainly I will focus on non-infectious diseases and chronic inflammatory diseases. So, the diseases are we can say that the diseases are different types, having different types. So mainly those are communicable diseases and non-communicable diseases. So the communicable diseases are the which can be transmitted from an infected person to a healthy person. So mainly these are wo infection ki wajah se hote hain. And non-communicable diseases, these are the diseases do not spread from an affected person to a healthy person. तो जो जिनका इन्फेक्शन के वजह से वो नहीं होते हैं. और मेनली द लाइफस्टाइल जो होती है, इल द लाइफस्टाइल, बैड लाइफस्टाइल एंड अफेक्टेड लाइफस्टाइल इज द कॉज ऑफ दोज नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस. सो द डिफरेंस बिटवीन कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस आर कम्युनिकेबल डिसीजेस कॉज्ड बाय सम बायोलॉजिकल एजेंट और पैथोजेन सच एज वायरसेस लाइक COVID-19, देन बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ एंड वर्म्स. It spread from one person to another through contact or like water, air and food. And the concern of society is these are related to community health. And the non-communicable diseases are, these are caused to some specific factors such as malfunctioning of some vital organ and then deficiency of nutrients. It do not spread from one person to another and it's concern of the individual only. Then the four main, yeah. So four main types in non-communicable diseases are cardiovascular diseases like heart attack, then the heart failure, other heart related problems, cancer, then chronic respiratory diseases and diabetes. And then again, we are discussing obesity also, then osteoporosis and anemia. And the other types are hypertension, dyslipidemia, obesity, metabolic syndrome, rheumatoid arthritis, then cerebrovascular disease, जिनको हम paralysis attack या stroke बोलते हैं, then osteoporosis, degenerative disc diseases, then sarcopenia, depression, cognitive impairment,
यानी मानसिक जो बीमारियां है अलग अलग प्रकार की, एंड देन न्यूरो डीजेनरेटिव डिसीजेस जैसे कि भूलना, अल्जाइमर डिसीज जो बुढ़ापे में होता है, दिस काइंड ऑफ उसमें आते हैं. नाउ एंड रिस्क फैक्टर फॉर दिस काइंड ऑफ नॉन कम्युनिकेबल और लाइफस्टाइल अफेक्टेड डिसऑर्डर्स और डिसीजेस आर जेनेटिक्स, जीन्स जो हमें हमारे पेरेंट्स से हम इनहेरिट करते हैं, देन प्रायर रिस्क फैक्टर लाइक ओबेसिटी एंड हाइपरटेंशन, देन डायटरी एंड लाइफस्टाइल चॉइसेस जो हम खान पान या हम जो चॉइस करते हैं हमारी लाइफस्टाइल, जैसे किसी की लाइफस्टाइल सिडेंटरी होती है, किसी को मूवमेंट करना ज्यादा कुछ एक्सर्शन करना पसंद नहीं है, देन एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स है ना, पॉल्यूशन है एंड अदर थिंग्स. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस कोरोनरी हार्ट डिसीज. सो जो हार्ट को सप्लाई करने वाली जो ब्लड वेसल्स होती है तो उनमें जो बीमारी है उनसे जो उनमें ब्लॉकेज होते हैं, सो दोज आर कोरोनरी हार्ट डिसीजेस. सो उसके जो कारण है, कॉजेस है, स्ट्रेस, तनाव, हाइपरटेंशन, हाई बीपी, देन इलेवेटेड सीरम लिपिड्स माना खून में कोलेस्ट्रॉल की बढ़ी हुई मात्रा, डायबिटीज, देन स्मोकिंग, साइकोसोशल स्ट्रेस, देन पॉवर्टी, लोनलीनेस, रैपिड. पॉवर्टी ये कारण क्यों है, क्योंकि उसमें हम माना उनको जो खाना है, जो न्यूट्रिशन है वो नहीं मिल पाता, रेस्ट नहीं मिल पाती, या तनाव चिंताएं ज्यादा रहती है. लोनलीनेस, रैपिड सोशियो इकोनॉमिक चेंज, क्राउडिंग, स्ट्रेसफुल इवेंट्स लाइक डिप्रेशन, सप्रेस एंगर, हॉस्टाइलिटी टू वेरियस इवेंट्स, एंड स्ट्रेस इंड्यूस अंजाइना. अंजाइना मीन्स हार्ट में पेन होना, हार्ट से रिलेटेड पेन, उसको अंजाइना बोलते हैं मेडिकल टर्म्स में. समझ में आ रहे हैं ना व्हाट आई एम सेइंग? जी मैम, बिल्कुल समझ में आ रहा है अच्छे से. देन कंजेस्टिव फेलियर, देन सडन डेथ, सो दीज आर सम पॉजिटिव फैक्टर्स फॉर कोरोनरी हार्ट डिजीज. उसमें मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स हम डिस्कस करेंगे कि जो हम मॉडिफाई कर सकते हैं, मतलब जिसमें हम बदलाव ला सकते हैं. तो ऐसे है द रिस्क फैक्टर्स फॉर दिस हार्ट डिजीज आर सिगारेट स्मोकिंग, ओबेसिटी, देन डायबिटीज. डायबिटीज ट्रिगर्स द साइलेंट हार्ट अटैक, क्योंकि डायबिटीज में हमें न्यूरोपैथी होती है, तो हमें नर्व सेंसेशंस या पेन के लिए हम लेस सेंसिटिव हो जाते हैं, नमनेस रहता है, तो हार्ट अटैक आता है लेकिन पेन नहीं होता, रियलाइज नहीं होता पेशेंट को. देन फिजिकल इनएक्टिविटी, देन कोलेस्ट्रॉल लेवल, बढ़ी हुई कोलेस्ट्रॉल की मात्रा, दीज आर ऑल मॉडिफाइबल, हम उसको चेंज कर सकते हैं. नेक्स्ट इज विल डिस्कस हाइपरटेंशन. सो व्हाट इज द नेम, इट सजेस्ट हाइपरटेंशन, मतलब ब्लड वेसल्स पे हाइपर, बढ़ा हुआ टेंशन. सो इट्स काइंड ऑफ क्रोनिकली, क्रोनिक मतलब बहुत सालों से दिस यू नो बॉडी के अंदर ये इनहेबिट करता है. एंड द आइडियल हाइपरटेंशन, आइडियल ब्लड प्रेशर इज, आइडियल ब्लड प्रेशर इज 120/80, मीन्स सिस्टोलिक शुड बी 120, डायस्टोलिक नीचे वाला बीपी शुड बी 80. सो अगर 120 से ऊपर हो जाता है एंड ये 80 से भी अबव हो जाता है डायस्टोलिक, सो दिस काइंड ऑफ रेज्ड ब्लड प्रेशर इज कॉल्ड हाइपरटेंशन. उसमें रिस्क फैक्टर्स क्या है हाइपरटेंशन को अफेक्ट, मतलब बॉडी में पनपने के लिए क्या चीजें कारणीभूत होती है, सो दीज आर वेट, बढ़ा हुआ वेट, देन सॉल्ट कंजम्पशन, सोडियम, एक्सेस सॉल्ट कंजम्पशन, देन अल्कोहल, हैबिट ऑफ अल्कोहल इनटेक, देन डाइट, राजसिक डाइट या तामसिक डाइट, बहुत तला हुआ, भुना हुआ एंड हेवी व्हाइट शुगर, मैदा, वो वाली चीजें, देन कंस्टिपेशन रहता है पेशेंट्स को ज्यादा, ओबेसिटी, एक्सेस कोलेस्ट्रॉल डिपोजिशन इन ब्लड, देन स्मोकिंग, एक्सेसिव थिंकिंग, ओवर थिंकिंग, बहुत सोचना, बहुत तनाव में रहना, देन लाइफ विदाउट फिजिकल लेबर, मेहनत नहीं चाहिए शरीर को कुछ ज्यादा, तो ऐसे वाले बंदे में ये मोस्ट ऑफ these are the reasons. Steps to reduce risk of high blood pressure, become more physically active, maintain healthy weight, then lower sodium intake below 2400 milligram per day, मतलब एक आधा टीस्पून या हम बोलेंगे कि 5 ग्राम के अंदर ही हमारा एक बंदे के लिए एक नमक दिन भर में हमने खाना चाहिए. देन अल्कोहल नहीं लेना है एंड देन
यू शुड फॉलो प्रॉपर डाइट. देन नेक्स्ट विल डिस्कस डायबिटीज. सो डायबिटीज इज अ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है ना. इट रिजल्ट्स व्हेन पैनक्रियास डज नॉट प्रोड्यूस इनफ इंसुलिन टू मीट इट्स नीड्स. तो हमारे शरीर में ग्रंथियां है, ग्लैंड है. तो पैनक्रियास ये एक ग्लैंड है जिससे इंसुलिन सिक्रेट होता है. तो डायबिटीज माना जिसमें इंसुलिन शरीर में नहीं बनता है ज्यादा, और अगर बनता भी है तो वो इंसुलिन प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन और मेटाबॉलिक पाथवे. तो वो जो ब्लड के अंदर की जो शुगर होती है, जो हम फूड लेते हैं उसके अंदर जो शुगर होती है, कार्बोहाइड्रेट में शुगर है, शक्कर में शुगर है, एवरीथिंग देन कन्वर्ट इन टू ग्लूकोज. तो ये ग्लूकोज, ब्लड ग्लूकोज जो ज्यादा बढ़ जाती है उसको उसको डाइजेस्ट करने में ये बॉडी कॉम्पेटिबल नहीं रहता है इंसुलिन. वो इट डजेंट डाइजेस्ट दैट ब्लड ग्लूकोज. दैट वी दैट जो उस बीमारी को हम बोलेंगे डायबिटीज है. सो उसके तीन टाइप है. टाइप वन मतलब जुवेनाइल डायबिटीज जो बच्चों में ही हो जाता है बचपन से. फिर टाइप टू मींस एडल्ट ऑनसेट डायबिटीज मतलब जो अबव 40 के बाद ज्यादातर अभी हो रहा है. एंड जेस्टेशनल मतलब माता के गर्भ में जब बच्चा रहता है तब उसको तभी से गर्भधारी में बच्चा रहता है तभी से उसको डायबिटीज रहता है. वो बेबी का सिर भी बड़ा रहता है एंड ऑल उसका वेट भी ज्यादा रहता है. तो दीज आर काइंड ऑफ जेस्टेशनल डायबिटीज. नेक्स्ट इज या सो द सॉरी असेसमेंट इज हाँ. सो डायबिटीज कैन बी डायग्नोज बाय ब्लड टेस्ट और यूरिन टेस्ट से हम उसको डायग्नोज कर सकते हैं. और उसमें जैसे कि फास्टिंग शुगर शुड बी लेस देन 100. अगर मोर देन 100 है तो इट इज डायबिटीज. एंड पीपी मीन्स पोस्ट प्रांडियल शुगर शुड बी लेस देन 130. अगर उसके ऊपर है देन इट इज डायबिटीज. एंड रैंडम ब्लड शुगर इट शुड बी मोर लेस देन 140 टिल 150. तो अगर उससे ज्यादा है ब्लड शुगर रैंडम दिन भर की तो देन वी डायग्नोस द डॉक्टर डायग्नोसिस इट एज अ डायबिटीज पेशेंट एज अ डायबिटीज. उसके कॉजेस है लेस सिक्रेशन ऑफ इंसुलिन हार्मोन, मेंटल स्ट्रेस, देन फ्रॉम हेरिडिटी फ्रॉम पेरेंट्स टू चिल्ड्रेन, देन अनटाइमली ईटिंग हैबिट्स, हरी करी एंड वरी. दीज आर द ब्रॉडली आई कैन से द रीजन्स फॉर डायबिटीज. और हैवी कार्बोहाइड्रेट, हाई कार्बोहाइड्रेट वाला खाना, फाइबर, प्रोटीन, वो सभी चीजें. देन उसके सिम्टम्स है ग्लूकोज, मोर ग्लूकोज इन ब्लड, एक्सेसिव एंड फ्रीक्वेंट पासिंग ऑफ यूरिन, देन फीलिंग थर्स्टी एंड हंगर, हंग्री फ्रीक्वेंटली, ज्यादा प्यास लगती है हमें, पॉलीडिस्पिया, पॉलीयूरिया, ज्यादा बार यूरिन को आएगा एंड ज्यादा बार खाने की इच्छा होगी. देन रिड्यूस हीलिंग कैपेसिटी ऑफ इंजुरी. कोई भी अगर हमें ये है जख्म या कुछ हुई है बॉडी को तो वो जल्दी हील नहीं होगा, या बॉडी पे शरीर पे ऐसे फोड़िया रहे शुरुआत में आती है, देन वीकनेस रहेगा पेशेंट को, बहुत ज्यादा फटीग रहेगा. इन एक्सट्रीम केसेस दीज आर सम काइंड ऑफ सिम्टम्स रहते हैं शुरुआत में जिससे पेशेंट को रियलाइज होता है कि मेरी कुछ मुझे कुछ डायबिटीज सा लग रहा है. देन ही विजिट्स टू लैब एंड ही does conducts the blood test or there, and then when the blood sugar is on higher side then doctor diagnoses diabetes. So uska prevention hai, control and excessive prevention and cure mein hum bol sakte ki jo body ka continuous weight badh raha hai, jo continuous weight control mein is regulated and controlled diets. देन रेगुलेटेड एंड कंट्रोल डाइट हमें लेना है, मतलब जिसमें कैलोरी काउंट मतलब वेट अगर कम करना है तो कैलोरीज हमें ज्यादा लेके नहीं चलेगा. तो कंट्रोल डाइट में जिसमें फाइबर ज्यादा है, वेजिटेबल्स, ग्रीन वेजिटेबल्स, फाइबर, ये सारी चीजें जिसमें ज्यादा है, और ऑयली कैलोरीज, मीठी चीजें, कार्बोहाइड्रेट, चपाती, दाल, राइस, ये सारी चीजें थोड़ी लिमिटेड है. The food should not contain sugar and much carbohydrates. Injection of insulin before meal if required. तो अगर इंसुलिन अगर हमें चालू है तो फिर हमें वो रेगुलरली लेना पड़ता है. So risk factors again of diabetes are cigarette smoking,
ओबेसिटी, फिजिकल इनएक्टिविटी, हाई ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल, देन हाई ब्लड शुगर एंड हाई ब्लड फैट. असेसमेंट ऐसा करेंगे, अर्ली डायग्नोसिस रहेगा थ्रू ब्लड टेस्टिंग, देन ब्लड प्रेशर मेजरमेंट, ब्लड लिपिड मेजरमेंट करना है क्योंकि डायबिटीज आर द मोस्ट वल्नरेबल पीपल फॉर कमिंग हार्ट प्रॉब्लम्स, हार्ट डिसीज. तो उसके लिए हमें ब्लड प्रेशर भी उनका कंट्रोल में रखना है, उनका लिपिड मतलब जो फैट है, कोलेस्ट्रॉल है, तो जिसको हम ट्राइग्लिसराइड, बहुत फेमस वर्ड है अभी ये नॉन इन जनरल पब्लिक में भी, तो ट्राइग्लिसराइड एंड कोलेस्ट्रॉल लेवल वो भी हमें कंट्रोल रखना है, सो दैट डायबिटीज शुड नॉट यू नो गिव चांस टू डेवलप हार्ट प्रॉब्लम, एथेरोस्क्लेरोटिक चेंजेस इन द ब्लड वेसल्स ऑफ इन आवर बॉडी. देन नेक्स्ट इज कैंसर. ओके, सो अगेन दिस इज नॉन कम्युनिकेबल डिसीज ऑफ द सोसाइटी, and nowadays cancer is day by day increasing. Okay, so what is the cancer? So cancer is the uncontrolled growth of abnormal cells, hai na, to cells size mein badi hongi, abnormal hongi aur uski bahut zyada uncontrolled growth rahengi, itna rahega ki lump ho jayega body ke andar, kahin pe gaanth ban jayengi uski. So mutations in cells of gene material, then the carcinogenic factors which are a trigger of which trigger cancer, these include chemicals, then some kind of viruses like hepatitis virus, it get converted into hepatocellular CA, then medical treatments such as radiation, है ना, तो रेडिएशन अगर हम एक्सपोज होते हैं तो उससे भी कैंसर होता है. पोल्यूशन, देन कैंसर सेल्स बिकम कैंसरस व्हेन देयर डीएनए इज डैमेज, तो डीएनए उसका डैमेज हो रहा है, है ना. देन मेटास्टेसिस बॉडी के अंदर, मेटास्टेसिस हो रहा है मतलब कैंसर एक जगह होता है लेकिन उसके मेट्स जो होते हैं उसका अलग दूसरे ऑर्गन में जाके वो लंप फॉर्म होता है. सो उसके मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स क्या है कैंसर के, so tobacco chewing is these people are most vulnerable for mouth cancer, then lung cancer, then alcohol, then smoking, then obesity, then cooking techniques, bahut zyada bhuna hua cheeze, plastic ka use karna, hai na, oven ka use karna bahut zyada overuse, and then wrong techniques of cooking, तली हुआ ऑयल बार बार खाना, देन रेड मीट, बहुत कुछ लोग रेड मीट का यूज ज्यादा लेते हैं टू ग्लो देयर स्किन, जो फिल्म स्टार्स है, सेलिब्रिटीज है, तो उनमें ज्यादा कैंसर पाया जाता है क्योंकि रेड मीट ज्यादा खाते हैं. फिजिकल इनएक्टिविटी, एक्सपोजर टू केमिकल, है ना, इंडस्ट्रियल एरियाज में जो लोग रहते हैं, लेड पॉइजनिंग, जो इंडस्ट्री में काम करते हैं ऐसे बंदों को, देन वायरसेस, सर्टन वायरसेस, बैक्टीरियाज, दे ऑल्सो प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन यू नो कैंसर डेवलपमेंट. देन स्टेप्स टू रिड्यूस रिस्क ऑफ कैंसर, क्या करना है हमें उसका, ये रिस्क कम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो डायटरी एंड लाइफस्टाइल चॉइसेस हमें बनानी पड़ेंगी, डाइट इंप्रूव करना पड़ेगा, वी हैव टू गो टूवर्ड्स नेचर, नेचुरल ग्रीन डाइट लेना है. देन फिजिकल एक्टिविटीज, एटलीस्ट 30 मिनट, आधा घंटा रोज एक्सरसाइज करना है, नेचुरल प्लांट बेस्ड डाइट लेना है, ईटिंग प्लेंटी ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, इनकॉर्पोरेट मोर फाइबर इन योर डाइट टू लोअर रिस्क ऑफ कोलोन कैंसर. कोलोन कैंसर मतलब इंटेस्टाइन का, है ना, छोटी और बड़ी आतड़, क्या बोलेंगे उसको, आत, तो उसका कैंसर अभी दिस इज यू नो मोर कॉमन इन दिस न्यूअर मॉडर्न वर्ल्ड, तो ज्यादा फाइबर नहीं लेते उस वजह से, मैदे की चीजें खाते हैं ज्यादा लोग, देन बेकरी प्रोडक्ट्स है, तो उसके वजह से दे हेल्प इन यू नो बिल्डिंग कोलाइटिस एंड इट टर्न अप इनटू कोलन कैंसर. देन विटामिन डी एंड एंटीऑक्सीडेंट्स लोअर द रिस्क ऑफ कैंसर. तो विटामिन डी किस में मिलेगा, तो सन एक्सपोजर नहीं है हम लोगों को आजकल, सनलाइट, वी शुड गेट एक्सपोज टू सनलाइट, टिपिकल जो सन है 10-11 का, मॉर्निंग का, शाम का 5-6 का, तो कंपल्सरी वी शुड है गेट एक्सपोज टू सनलाइट. एंड एंटी ऑक्सीडेंट्स रहते हैं जो हमें ग्रीन टी में है, या विटामिन सी है, या विटामिन ई है, तो दिस काइंड ऑफ सप्लीमेंट वी शुड टेक रेगुलरली टू लोअर द रिस्क ऑफ कैंसर. नेक्स्ट इज रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर. सो
रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स इट रिजल्ट बिकॉज ऑफ डायनेमिक स्ट्रेसफुल लाइफस्टाइल देन एनवायरमेंटल पॉल्यूशन है फॉल्टी फूड हैबिट्स देन प्रिवेलेंस ऑफ अस्थमा एलर्जिक कफ एलर्जिक रेस्पिरेटरी डिसीजेस देन ब्रोंकाइटिस एंड थ्रोट इन्फेक्शन sinusitis, rhinitis infection, respiratory disorders, these are around 25 to 30% in rural and urban areas, you know. Next is osteoporosis. So again, it is the, you know, osteoporosis is very common in elderly people nowadays. It occurs due to deficient absorption of calcium and phosphorus by the bone from the blood and abnormal deposition of these minerals इन द ब्लड मतलब जहां उनको एब्जॉर्प्शन उनका होना चाहिए वहां उनका होता नहीं है और सब जो मॉडिफाइबल उसमें रिस्क फैक्टर्स है जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन मतलब अगर मम्मी को है पेरेंट्स को है तो बेटी को है ऑस्टियोपोरोसिस तो जेनेटिकली मोर प्रीडिस्पोजिशन उनका होता है देन व्हाइट पीपल आर मोर यू नो वल्नरेबल फॉर द ऑस्टियोपोरोसिस क्योंकि उनका जो विटामिन डी फॉर्मेशन या कैल्शियम एब्जॉर्प्शन का उनका जीन्स में थोड़ा ये रहता है कम वो एब्जॉर्ब कर सकते हैं देन दैट्स व्हाई द व्हाइट पीपल दे टेक यू नो सन बाथ रेगुलरली देन फैमिली हिस्ट्री है लाइफस्टाइल डाइट एंड कैल्शियम जो इनटेक है तो लो प्रोटीन एंड लो कैल्शियम कंटेंट वाला डाइट इट रिजल्ट्स इन ऑस्टियोपोरोसिस देन वेरियस कैल्शियम सप्लीमेंट्स जो लेते हैं उनको भी ये ध्यान से लेना चाहिए देन एक्सरसाइज नहीं करेंगे इमोबिलिटी की वजह से देन प्रोलॉन्ग बेड रेस्ट जो लोग बेड रिडन है उन लोगों में ऑस्टियोपोरोसिस होता है देन दिस सम काइंड ऑफ एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स है डिसीजेस है जैसे कि पिट्यूटरी डिसीज है अर्ली मेनोपॉज क्योंकि जो हार्मोन्स है एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन ये उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कैल्शियम एब्जॉर्प्शन में देन थायरोटॉक्सिकोसिस है ना थायरोक्सिन लेवल ज्यादा बढ़ जाना हाइपर थायरॉयडिज्म देन हाइपर पैराथायरॉयडिज्म देन इंफ्लेमेटरी डिजीजेस बॉडी के अंदर इंफ्लेमेशन है जैसे कि अंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस तो इसमें जो जॉइंट्स है उसमें डिफॉर्मिटी आ जाती है इंफ्लेमेशन रहता है क्रोनिक रूमेटॉइड अर्थराइटिस में वो जॉइंट्स में स्वेलिंग रहेगा मॉर्निंग में पूरे बॉडी में स्टिफनेस रहेगा पॉली आर्थराइटिस नोडोजा काइंड ऑफ दिस काइंड ऑफ सम टर्म्स है उसमें स्टिफनेस रहेगा एंड उसमें भी ऑस्टियोपोरोसिस रहता है देन ओबेसिटी तो ओबेसिटी यू नो वेरी वेल सबको ही पता है कि इट इज डायग्नोज व्हेन आवर बीएमआई इज मोर देन 30 आर यू गेटिंग माई पॉइंट्स Yeah, Vandana sister. Just जी मैम yeah. So obesity के बारे में BMI body mass index. So it should be more अगर ये ज्यादा है 30 से ज्यादा है it is around you know 25 ये less than 18 अगर है तो हम क्या बोलेंगे उसको underweight है and it should be from 19 to 24 25 then we are in our ideal weight and if it is more than 25 then we are overweight and when it is more than 30 then 25 to 30 is overweight and then it is when it is more than 30 then it is obesity so it's a complex disease involving an excessive amount of body fat uske risk factors kya rahenge family inheritance and influences hai na kyunki जो रॉन्ग फूड हैबिट्स है वो जनरेशन पे चलती है ना माँ गलत खा रही है तो बच्चों को भी वैसे सर्व कर रही है फिर बच्चों को भी वही हैबिट्स है तो बच्चे भी मोटे हैं माँ भी सो दिस काइंड ऑफ इन्फ्लुएंसेस है डाइट इन्फ्लुएंसेस लाइफस्टाइल चॉइसेस हम जो करते हैं कि हमें हमें कार से घूमना है हमें वॉक नहीं करना है हमें सीढ़ियां नहीं चढ़नी हमें लिफ्ट से ही चढ़ना है सो दिस काइंड ऑफ लाइफस्टाइल चॉइस हम कर जो हम खुद चॉइस करते हैं दिस रिजल्ट इन आवर बॉडी यू नो मेकअप देन अनहेल्दी डाइट है हमारा क्विड मोर कैलोरीज हम ले रहे हैं इनएक्टिविटी है हमारी हम वी आर प्रिफर टू रिमेन फिजिकली इनएक्टिव हाँ नाउअडेज बच्चे कोच पोटैटो टीवी घंटों टीवी देखते रहेंगे सो सर्टन डिसीजेस एंड मेडिकेशन कुछ डिसीजेस ऐसी है कि जिसमें ओबेसिटी बॉडी के अंदर डेवलप होती है जैसे कि थायराइड इश्यूज है हाइपोथायराइडिज्म है तो थायराइड हार्मोन की लेवल ही बॉडी में कम है और अगर हमने
हाइपोथायरॉयडिज्म डायग्नोस नहीं किया, हमने अगर थायराइड हार्मोन लेना चालू नहीं किया तो वो इमीडिएटली कुछ ही मंथ में हमें हम मोटा हो जाते हैं, अगर हमने वो थायराइड पे ध्यान नहीं दिया, हमने डायग्नोस नहीं किया उसको, हमने ब्लड टेस्ट नहीं किया सॉर्ट ऑफ. एंड कुछ मेडिसिन है जो भी हमें मोटे बनाते हैं, फॉर एग्जाम्पल स्टीरॉइड्स है, नहीं ना. अभी कोविड 19 में भी आपको काफी आपने सुना होगा कि स्टीरॉइड्स के वजह से काफी उसके इल इफेक्ट्स है, तो उसका और एक ये है ओबेसिटी, उसका साइड इफेक्ट स्टीरॉइड्स का. फिर डायबिटीज के ड्रग्स है, हार्ट के ड्रग्स है, तो उससे भी मोटापा बॉडी में डेवलप होता है. सोशल एंड इकोनॉमिकल इश्यूज है, एज है, एज फैक्टर है. एज वी ग्रो और बीएमआर ड्रॉप्स, है ना, बेसल मेटाबॉलिक रेट जो है वो हमारा कम होता है, ड्रॉप्स. सो देन दैट ऑल्सो यू नो ट्रिगर्स द दिस वेट गेन इन इन मोस्टली इन फीमेल्स अबाउट 35 or 40 वेन देर हैव दे हैव द यू नो मीनोपॉजल प्री मीनोपॉजल मीनोपॉजल एज के तरफ जब वो चली जाती है धीरे धीरे देन दे हैव टेंडेंसी ऑफ पुटिंग वेट, है ना, फैट डिपोजिशन की उनकी टेंडेंसी बढ़ जाती है. सो इट इज लाइक ये इस काइंड ऑफ यू नो फिजियोलॉजिकली ये होता है, लेकिन अगर हम उसको भी हम वी कैन अवॉइड दैट काइंड ऑफ वेट डिपोजिशन इन आवर बॉडी इफ वी रिमेन पर्टिकुलर इन आवर डाइटरी हैबिट्स, है ना. कोई भी महिला 40 के अबाव है, प्री मेनोपॉजल है, लेकिन अगर वो उसका डाइट कम करती है, मतलब उसके डाइट का कार्बोहाइड्रेट्स ऑयल हैवी फूड वो कम करती है, उसके जगह इट रिप्लेस फ्रूट्स वेजिटेबल्स देन हेल्दी ऑयल नट्स, है ना, सूप सैलेड प्रोटीन्स, है ना, चीज मिल्क पनीर. सो हेल्दी चॉइस अगर वो करती है और प्रोटीन्स ज्यादा लेती है तो डेफिनेटली उसका वेट गेन नहीं होगा. देन सर्टन डिस सोशल इकोनॉमिकल इश्यूज, एज हो गया, अदर फैक्टर्स, प्रेगनेंसी में वेट पुट ऑन होता है. फिर देन लैक ऑफ स्लीप इज अ मेजर फैक्टर नाउअडेज टू गेन वेट. काफी लोग अभी चिंतित रहते हैं, परेशान रहते हैं, नींद नहीं कर पाते, लेट सोने की आदत है, तो उन लोगों में भी जो हार्मोन्स है, जो हेल्दी हार्मोन्स है जो रात में रिलीज होते हैं, दिन में ग्रोथ हार्मोन है, एनसेरेटोनिन है, एंडोर्फिन्स है, जो अच्छे फील गुड हार्मोन्स है, वो रिलीज नहीं हो पाते उन लोगों में, और देन दे ट्रिगर्स ओबेसिटी. देन स्ट्रेस है, देन सर्टन काइंड ऑफ माइक्रो बैक्टीरिया इन आर गट बैक्टीरिया जो है, दिस हेल्प टू मेंटेन द वेट, है ना. तो देन योयो डाइटिंग, योयो डाइटिंग मतलब वेट लॉस के लिए हमने डाइटिंग किया, फिर अगेन छोड़ दिया, अगेन वेट पुट ऑन हुआ, तो योयो डाइटिंग से भी वेट गेन बॉडी के अंदर वेट घुस जाता है, क्योंकि हम उसको मेंटेन नहीं कर पाते, स्टार्वेशन करते हैं कुछ 15 दिन महीना भर, और फिर देन अगेन वो सडनली छोड़ने के बाद जो लूज किया वो अगेन डबल वेट, उसमें अगर 2 किलो कम किया तो 4 kg वेट पुट ऑन हो जाएगा योयो डाइटिंग में. दीज आर काइंड ऑफ रिस्क फैक्टर्स. उसके कॉम्प्लिकेशन क्या है ओबेसिटी के, हार्ट डिसीज एंड स्ट्रोक देन इज अ मेजर, यू नो मेजर कॉम्प्लिकेशन है ऑफ डायबिटीज, सॉरी ओबेसिटी का मेजर कॉम्प्लिकेशन है हार्ट डिसीज एंड स्ट्रोक बैठेगा उस बंदे को. देन टाइप 2 डायबिटीज होना ही होना है उसको, डायबिटीज जो अगर मोटा है इंसान तो. देन सर्टन कैंसर्स दे गेट ट्रिगर्ड विद द ओबेसिटी, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स, उसको इनडाइजेशन रहेगा, एसिडिटी हाइपर एसिडिटी रहेंगी ओबेस बंदे को. देन स्लीप एपनिया, एपनिया स्लीप एपनिया मतलब नींद में उसको सांस बीच बीच में उसका बंद हो जाता है और वो आवाज आएगा उसको, स्नोरिंग की हैबिट रहेंगी. देन ऑस्टियोआर्थराइटिस रहेगा, ओवर प्रेशर ऑन द जॉइंट्स बिकॉज ऑफ द ओबेसिटी. Then, अगर you know the COVID-19 has made you know created havoc in the society, तो COVID-19 जो obese लोग हैं उनमें severe रहेंगे symptoms, they have more chance of mortality due to COVID in obese people. Then next is anemia. So for the females, anemia in Indian, you know, Indian females, anemia is very common. Even in the Asian predisposition or genetic people, the anemia is very common, especially in females. So what is anemia? So anemia is the low level of hemoglobin in the blood. है ना, hemoglobin की मात्रा कम रहती है anemia में, उसको बोलेंगे anemia. और oxidation process of blood जो है वो decrease हो जाएगा उसमें anemia में. Oxidation. Then causes क्या है? Heavy bleeding during menstruation in females. है ना? Then loss of blood in any kind of accident. Deficiency of essential elements like iron, folic acid, proteins, वो कम है हमारे डाइट में.
then problem in the metabolism of the body. Body में absorption ही नहीं हो रहा है iron का, है ना? कुछ हमें malabsorption syndrome है, है ना? तो या फिर कुछ certain medications है वो hamper कर रहे हैं उसको iron absorb होने में. Then loss of blood in the piles. आजकल piles या ये जो है उसकी बहुत ज़्यादा ये common है piles, मूड़ व्याध. तो इसमें भी blood bleeding होता रहता है, stools pass होते हैं उस time. उससे भी एनीमिया काफी लोगों में हो रहा है ड्यू टू अल्सर्स इन द इंटेस्टाइन पासिंग ब्लड इन विद लूज मोशन. देन वेरी हेवी ब्लीडिंग एट द टाइम ऑफ डिलीवरी. बच्चा जब पैदा होता है तब बहुत ज्यादा ब्लड लॉस हो जाता है फीमेल को. प्रेजेंस ऑफ हुकवर्म एंड मलेरियल जर्म्स ऑल्सो लीड टू द डेफिशिएंसी ऑफ ब्लड. और वर्म इन्फेस्टेशन रहेगा बॉडी के अंदर, वर्म्स रहेंगे. जो लोग बाहर का खाना प्रीफर करते हैं या फिर चाइनीज खाएंगे, नॉनवेज खाएंगे, तो उसके वजह से उनको वर्म्स बॉडी में चले जाते हैं और वो इट ट्रिगर्स एनीमिया. देन क्योंकि वो ब्लड सक करते रहते हैं अंदर ही अंदर बॉडी के अंदर. देन प्रॉब्लम्स इन द किडनी. किडनी रीनल रेनिन हार्मोन जो है, रीनल हार्मोन दे प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आयरन एंड ऑल आयरन मेटाबॉलिज्म. तो उसके जब प्रॉब्लम्स रहता है तब देन ड्यू टू थैलेसीमिया द ब्लड स्टॉप्स प्रोड्यूसिंग, बॉडी स्टॉप्स प्रोड्यूसिंग फ्रेश ब्लड. तो थैलेसीमिया एक जेनेटिक ब्लड डिसऑर्डर है, तो जिसमें ब्लड ही नहीं मतलब हमारा जो नॉर्मल हीमोग्लोबिन है वो 100% नहीं रहता है हमारे पास. हमारे पास जो नॉर्मल ब्लड हीमोग्लोबिन है HbA2 वो उसका परसेंटेज 3.5 से कम रहता है हम बॉडी में, और नॉर्मल जो रहता है हीमोग्लोबिन वो 97 रहता है. लेकिन थैलेसीमिया लोगों में इट इज मोर देन 3.5 HbA2. तो जिस वजह से उनका हीमोग्लोबिन फॉर्म जो स्ट्रक्चर है वो एबनॉर्मल है, जिस वजह से बॉडी में ब्लड ही बन नहीं पाता है. तो उन बच्चों को फिर बचपन में एनीमिया उनमें दिखाई देने पड़ता है. जैसे 2-3 साल का होने के बाद ही उनको एनीमिया चालू हो जाता है और देन दे हैज टू रिमेन ऑन ब्लड ब्लड लेना पड़ता है उनको एक्सटर्नली. ब्लड डोनेट ब्लड चढ़ाएंगे, खून चढ़ाएंगे, देन ओनली दे कैन सर्वाइव. Then problems in any of the processing part of body like liver, bone marrow, उसमें ही नहीं बन रहा है, blood ही नहीं बन रहा है bone marrow में. Then these are the different causes of anemia. So mainly जो females है, Indian females है, उनमें ज्यादातर anemia रहता है. और like child bearing age वाली जो होती है जिनमें monthly cycle चालू रहता है, तो उन females में and overwork, घर में बहुत ज्यादा काम है, फिर उनको डाइट का नॉलेज नहीं है, क्या खाना है वो नॉलेज नहीं है, तो उस वजह से उनमें एनीमिया रहता है और वो लगातार रहता है, उनको समझ में नहीं आता, थकावट रहती है. तो जैसे कि इफ द हीमोग्लोबिन इज मोर लेस देन 13 इन मेल्स देन इट इज एनीमिया. इफ हीमोग्लोबिन अगर 12 से कम है फीमेल्स में देन इट इज एनीमिया. सो now I'll stop. So now I discuss these so much of diseases in my today's topic. So now here I'll stop, and if anybody has any questions, so they can ask me. I'm not getting your voice, Vandana sister. आज आपने इतने सारे डिजीज के बारे में हमें बताया एकदम सरल लैंग्वेज में, और एकदम बताया कि उससे हम कैसे, उसके क्या क्या कॉज हो सकते हैं. तो ये सेशन आपने बहुत अच्छा किया, वंडरफुल सेशन वाज दैट. आवाज बहुत कम आ रही. किसी को और किसी पार्टिसिपेशन को कुछ भी पूछना है डॉक्टर से तो आप बेझिझक पूछ सकते हैं. किसी को कुछ पूछना है, किसी को भी कुछ पूछना है, कोई भी डिसीज के बारे में आप पूछ सकते हैं. How much participants? 9. Okay, they don't want to ask anything. But your session was very good, very nice, you told. Once again, thank you so much.
for giving you. Your valuable time to us. Thank you so much. If anyone has any questions, please feel free to talk or to ask any question. I'm ready to answer. Anyone willing to ask any question, they can ask. जो भी पूछना है किसी भी डिसीज के बारे में या अपने कुछ प्रॉब्लम्स के बारे में जो आपको आपको है कोई डिसीज या कुछ तो आप पूछ सकते हैं बेझिझक. पूछना था एक्चुअली में कि मुझे थायराइड है तो मतलब वो सडनली ऐसा इक्वल एक जैसे बढ़ता रहता है घटता रहता है नॉर्मल पे नहीं आता जल्दी. इसका रीजन कुछ मतलब खाने पीने का कुछ प्रॉब्लम रहता है कि एक बार फिर आप अपना क्वेश्चन रिपीट करेंगे. जैसे मुझे थायराइड है मेरा थायराइड कभी भी हाई हो जाता है कभी भी लो पे बहुत कमी आ पाता है जबकि खाने पीने का मेरा कुछ भी ऐसा बहुत ज्यादा बाहर का नहीं खाना होता है. शुगर एकदम बहुत कम ही रहता है नमक भी बहुत हल्का खाते हैं हम लोग फिर भी मतलब नॉर्मल नहीं हो पाता है सब कुछ करती हूँ परहेज भी उतना फिर भी. आपको क्या है हाइपर है या हाइपोथायरायडिज्म है? हाइपो होगा ना जी. हाइपोथायराइड मतलब हाइपो मतलब थायराइड लेवल कम है आपका. आप गोली खाते हैं ना ऊपर से? जी मैम. हेलो. हाँ मैम. हेलो जी. हाँ तो आपके केस में क्या है कि आपको ये ऐसा थायराइड जो है हार्मोन का जो बॉडी में उसका जो माल फंक्शनिंग है तो वो ऐसा आप कुछ महीने उससे एक्सपेक्ट करेंगे ये 2-3 महीने में कम होना चाहिए तो ऐसा नहीं रहता. आपको रेगुलरली वो हार्मोन आपको लेना ही पड़ेगा है ना. एंड इट इज कम्प्लीटली सेफ. जैसे मेरा थायराइड है और वो जो लेवल चाहिए थायराइड हार्मोन की वो नहीं बना पा रहा है बिकॉज ऑफ सम माल एब्जॉर्प्शन है बॉडी के अंदर मैकेनिज्म बॉडी का फिजियोलॉजी चेंज हो गया है वॉट एवर द हार्मोनल इम्बेलेंस हुआ है बॉडी में. जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया है लाइफ स्टाइल डैमेज है या जो भी रीजन है तो जिस वजह से भी वो डेवलप हुआ है हॉर्मोन्स का कम रिलीज होना तो वो तुरंत नहीं जाएगा इट विल टेक सम टाइम. तो आपको रेगुलरली आपका एक्सरसाइज आपको रखना है आपको मोर फाइबर या ग्रीन जो है वो वाला डाइट आपको ज्यादा लेना है फ्रूट्स वेजिटेबल्स फाइबर प्रोटीन्स कार्बोहाइड्रेट और जो व्हाइट चीजें हैं वो कम लेनी है. एंड योगा योगासनास आपको रेगुलरली आपके इसमें डेली लाइफ में आपको ऐड करने हैं. एंड केयर फ्री लाइफ मतलब ज्यादा नहीं सोचना है सोचने से भी वो आपको हील नहीं होंगे आप जल्दी. एंड आपको मेडिसिन ही लेते ही रहना है उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है हार्मोन का वो जो गोली आती है उसका साइड इफेक्ट कुछ भी नहीं है लेकिन आपको लॉन्ग टर्म उसको आपको लेना पड़ेगा और एक फेथ रखना पड़ेगा कि आई विल बी नॉर्मल. ठीक है. ओके मैम थैंक यू मैम. नेक्स्ट और किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं. बॉडी में यूरिक एसिड बढ़ जाने का रीजन क्या हो सकता है? यूरिक एसिड उसको हाइपर यूरेसिमिया बोलते हैं हम. तो यूरिक एसिड जो है ये इट इज लाइक अ बाय प्रोडक्ट ऑफ प्रोटीन. तो जब हम हेवी प्रोटीन्स वाली चीजें लेते हैं ज्यादा लेंगे जैसे कि कुछ लोग नॉनवेज ज्यादा खा रहे हैं है ना या फिर दाल है बहुत ज्यादा उसका ओवर कंजम्पशन है या फिर पानी कम पी रहे उसके साथ फिर उसका बॉडी में डाइजेशन और वो जो उसके बाय प्रोडक्ट्स है वो एक्सक्रिट होने में है पानी वाटर प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल तो वो नहीं हो रहा है
फिर अल्कोहल है वो भी हैम्पर कर रहा है आपका जो बॉडी का मेटाबॉलिज्म है, जिसमें यूरिक एसिड ज्यादा तैयार हो रहा है बॉडी के अंदर, तो ये सारी चीजें उसमें ये करती है, मतलब उसमें इंटरफेयर करती है। तो ऐसा कोई एक कारण नहीं है, और उसके लिए आपको आपका अगेन द सेम थिंग, आपको आपका बॉडी का जो है डिटॉक्सिफिकेशन वो करना है, पानी ज्यादा पीना है, अगेन द सेम आपको ग्रीन फ्रूट्स वेजिटेबल्स वो ज्यादा बॉडी में लेने हैं, हाई जो है हेवी कार्बो सॉरी प्रोटीन्स वाली चीजें, रेड मीट, अल्कोहल, देन अवॉइड दाल, हेवी दाल, थिक दाल, उसको कम करना है। एंड उसका भी मेडिसिन है, अगेन इट हैज अ मेडिसिन, वो आपको एलोपैथी डॉक्टर से जाके आपका ब्लड टेस्ट करके आपकी यूरिक एसिड लेवल आपको देखनी, इट शुड बी अराउंड 6 या 7 तक, 6.6 समथिंग तक ही उसकी यूरिक एसिड की लेवल है, उससे ज्यादा अगर आपका डिटेक्ट होता है देन ओनली यू टू अप्रोच अ प्रॉपर फिजिशियन एंड स्टार्ट द मेडिसिन एंड द मेक द डाइट चेंजेस एंड अगेन डू द सम एक्सरसाइजेस ऑफ बॉडी ऑल्सो। सो ये पूरा एक कम्प्रेहेंसिव ये है ना, पूरा एक बीमारी का हीलिंग का एक पूरा कम्प्रेहेंसिव पैकेज होता है, तो हर तरफ हमें ध्यान देना होता है ना, खान पान, एक्सरसाइज एंड योर मेडिसिन, ठीक है? और और किसी को कुछ भी पूछना है तो आप बेझिझक पूछ सकते हैं। हेलो या हाँ मैम, एक्चुअली वाटर इंटेक भी प्रॉपर है, मींस दाल भी प्रॉपर जो अमाउंट में वन मींस कटोरी लेना है उतना ही खाते हैं, नॉनवेज तो खाते ही नहीं है, मींस सब प्रॉपर ही है, पर फिर भी यूरिक एसिड कंट्रोल में आता ही नहीं है, तो उसका रीजन ऐसा रिजल्ट नहीं बोल सकती मैं आपको, लेकिन आपको ना उसका डिटेल इन्वेस्टिगेशन करना पड़ेगा एंड आपको उसके लिए प्रॉपर जो है ना फिजिशियन एमडी मेडिसिन, यू हैव टू कंसल्ट टू प्रॉपर फिजिशियन एंड अंडर हिज गाइडेंस यू हैव टू टेक द मेडिसिन, ठीक है ना? और उसके और कुछ इन्वेस्टिगेशन करने हैं क्या, क्यों हाइपर यूरिसीमिया क्यों है बॉडी के अंदर, मतलब आप अगर बोल रहे कि हम ऊपर से तो नहीं रहे, हेवी चीजें नहीं ले रहे, तो दे कैन ही कैन गाइड यू नो वन टू वन, आपको उनका कंसल्टेशन लेना पड़ेगा, ठीक है ना? थैंक यू मैम। और कोई है जो पूछना चाहेंगे क्वेश्चन? आप पूछ सकते हैं जो भी क्वेश्चन हो आपके हेल्थ से रिलेटेड, आपको डाउट हो आप पूछ सकते हैं। क्या टाइम हुआ अभी? उसके टाइम ठीक है, आई थिंक वी विल यू नो लीव द मीटिंग नाउ, क्लोज द मीटिंग। ओके ओके, नाउ 1 to 3 1 to 2 ब्रेक रहेगा, जिसमें आपको सात्विक भोजन करना है विदाउट ओनियन एंड गार्लिक विथ सैलेड एंड स्प्राउट, और मेडिटेट करके मीन्स थोड़ा भगवान को ध्यान करके उसमें पावर डाल के एक उसको सात्विक बना के भोजन करना है, एंड 2 to 3 आप सेल्फ स्टडी या जो आपको करना है, थोड़ा स्नैप लेना है, सोना है, जो करना है आप कर सकते हैं, और फिर हम मिलेंगे 3 बजे, 3 to 4 विल डू द मेडिटेशन एंड फिर हमारा सेशन स्टार्ट होगा, द फंक्शन ऑफ माइंड एंड इट्स इन्फ्लुएंस ओवर द बॉडी, हमारे माइंड का असर हमारे बॉडी पे कैसे पड़ता है ये हम जानेंगे डॉक्टर से। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद, थैंक यू सो मच। ओके थैंक यू। ओके थैंक यू।